आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नथिंग से। वे नथिंग की जो सब ब्रांड होने वाली थी सेम ऐप, जो कि अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेकर आने वाली थी भारत में, हमने आपको बहुत टाइम पहले ये बात बताई थी। अब यहाँ पर सेम ऐप ने अपने 3 प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है भारत में, जहाँ पर सेम ऐप वॉच प्रो है, सेम ऐप बर्ड्स प्रो है एंड सेम ऐप का 65 वॉट का चार्जिंग एडेप्टर भी है। बात करते हैं सबसे पहले सेम ऐप वॉच प्रो की, जिसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर, मल्टीपल स्पॉट मोड, मल्टीपल स्मार्ट वॉच फेसेस और हेल्थ से रिलेटेड भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक एचआर ट्रैकिंग हो गया, SPO2 मॉनिटर हो गया। और यही स्मार्ट वॉच में 2 वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट जो है इसका वो 4,499 रुपए से शुरू होता है, जबकि जो इसका टॉप वेरिएंट है जो कि 4,999 रुपए का आता है। बात करते हैं सेम में बर्ड्स प्रो की, जिसमें हमें क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 11 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम और साथ ही साथ इसमें हमें डायनेमिक बेस बूस्ट, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यही बर्ड्स की अगर कीमत की बात की जाए तो इसे भी लॉन्च किया गया 3,499 रुपए के प्राइस टैग से। अब बात करते हैं फाइनली 65 वॉट के चार्जिंग एडाप्टर की, जिसकी कीमत रखी गई 2,999 रुपए। वैसे आप हमें ये बताएं, सीएम अपने ये जितनी भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है भारत में, आपको इनमें से कौन सी प्रोडक्ट पसंद आई और वैसे प्राइस आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइए। Xiaomi की बात करते हुए, Xiaomi 14 सीरीज, जिसकी अभी भी Xiaomi ने ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट तो रिवील नहीं किए, पर Xiaomi 14 सीरीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है नवंबर के में फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। और जहां पर Xiaomi 14 सीरीज के लॉन्चिंग से पहले Xiaomi 14 Pro, ये जो स्मार्टफोन है वो 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है, जहां से पता लग रहा है कि भाई ये स्मार्टफोन में 120 वॉट का पावर शेयरिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है AMOLED 2K के रिजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं Xiaomi 14 सीरीज हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है। एप्पल की बात करते हुए, एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये जो स्मार्टफोन है जिसे लॉन्च किए गए इतना वक्त नहीं हुआ, पर भी 150 मार्क की रैंकिंग्स आ चुके। जी हाँ, पता है आपको टॉप 5 स्मार्टफोन रैंकिंग में आईफोन 15 प्रो मैक्स कहाँ पर रैंक करता है? एनी गेसेस? सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है। जी हाँ, और रैंकिंग से ये पता लग रहा है कि भाई आप यहाँ पर बुके एंड वीडियो शॉट्स लोगे आईफोन 15 प्रो मैक्स से, वे नंबर 1 होने वाले। वैसे नंबर 1 पर रैंक कर रहा है Huawei P60 Pro। अगर ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च किया जाता तो मजा ही आ जाता, पर खैर कोई बात नहीं। और एक सरप्राइजिंग बात ये भी लगी कि भाई सैमसंग यहाँ पर है ही नहीं। जी हाँ, यानी कि सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो कि D100 मार्क में टॉप 5 नंबर पर रैंक कर रहा हो। जी हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा हुआ है। वैसे क्या सोचे आपकी इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। आईटेल की बात करते हुए, आईटेल ने कर दिखाया। जी हाँ, आईटेल ने भी 2 अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है भारत में, आईटेल P55 5G एंड आईटेल S23 प्लस। जहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आईटेल P55 5G, जो कि एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है और अंडर 10,000 रुपीज में 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है पहली बार आईटेल की ओर से। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.6 इंच के में HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। MediaTek Dimensity 6080 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, ऐसे में 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगी यही स्मार्टफोन में। और 5000mAh की बैटरी एंड 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो कुछ 9,699 रुपए का मिल जाएगा, यानी 4GB रैम, 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, जबकि इसका जो टॉप वेरिएंट है जो कि 6GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 9,999 रुपए रखी गई, यानी जो डिफरेंस है वो सिर्फ 300 रुपए का रखा गया है, सोचिए। जबकि बात करते हैं आईटेल S23 प्लस स्मार्टफोन की, जो भी काफी तगड़ी स्पेक्स के साथ आता है। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 6.78 इंच के FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यूनिसोक T616 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक 4G चिपसेट है। जी हाँ, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा सेंसर, 5000mAh बैटरी, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। और यही स्मार्टफोन
की अगर कीमत की बात करें तो इसमें एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है और जिसकी कीमत रखी गई 13,999 रुपए। अब यहाँ पर भी आईटेल ने कर दिखाया क्योंकि हमें अंडर 15,000 रुपीज में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, अंडर 10,000 रुपीज में 5G स्मार्टफोन लेकर आए, अंडर 15,000 रुपीज में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेकर आ चुके। वैसे काफी अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद है और स्पेशली प्राइस आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर से बताइए। Realme की बात करते हुए Realme का जो अपकमिंग स्मार्टफोन है Realme GT 5 Pro जो कि एक फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है और ये स्मार्टफोन के रेंडर्स निकलकर बाहर आ चुके हैं। जहां से देखने से तो पता लग रहा है कि भाई ये स्मार्टफोन में हमें Realme सर्कुलर मॉडल देखने को मिल जाएगा जिसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है वो भी LED फ्लैश के साथ, जहां पर हमें पेरिस्कोप लेंस का भी इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि भाई ये जो स्मार्टफोन है जिसके क्या स्पेक्स होते हैं और इसे कितनी ही जल्दी लॉन्च किया जाता है। अकॉर्डिंग टू माय व्यू ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। गूगल की बात करते गूगल ने काफी अच्छा फीचर भारत में लॉन्च कर दिया है जो कि फीचर का नाम है अर्थक्वेक अलर्ट्स। नाम से पता चल ही गया होगा कि भाई ये जो फीचर है वो आपके लिए काफी काम में आएगा, जहां पर आप जब भी जहां पर भी हो और वहां पर अर्थक्वेक होने वाला है तो आपको पहले से अलर्ट आ जाएगा कि भाई यहाँ पर अर्थक्वेक होगा तो आप कोई दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हो, जहां पर आप खुद की भी जान बचा सकते हो और काफी सारे लोगों की भी जान बचा सकते हो। अब ये जो फीचर है वो सिर्फ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आया हुआ है, जिसे अगर आप यूज करना चाहते हो कि भाई आपके स्मार्टफोन में आया भी है या नहीं वो भी चेक करना है तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको बता ही देते हैं। सबसे पहले आप अपना स्मार्टफोन ऑन कीजिए, जहां पर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। स्मार्टफोन के सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पर आपको लोकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोकेशन पर क्लिक करोगे आपको स्लाइड नीचे करके आ जाना है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अर्थक्वेक अलर्ट्स जो कि मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। तो शायद से आप में ये फीचर ऑफ हो तो इसे ऑन कर लीजिए। वैसे आपको ये फीचर कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है भी या नहीं, क्या सोचे इसके बारे में कमेंट में बताइए। OnePlus की बात करते हुए OnePlus 11 ये जो स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो भाई यहाँ पर OnePlus ने OxygenOS 14 Beta 2 की जो अपडेट है जिसे रोल आउट कर दिया है भारत में अमेरिका में दोनों ही जगह पर OnePlus 11 स्मार्टफोन में। तो अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है तो आप सभी को पता होगा कि भाई बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे थे स्मार्टफोन में, जहाँ पर हमें स्क्रीन फ्लिकरिंग या फिर स्वाइप अप गेस्चर का भी इश्यू देखने को मिल रहा था। इस सारे इश्यू को ये अपडेट के जरिए फिक्स कर दिया गया और भी बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे ये अपडेट के जरिए। तो अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है तो जरूर से ये जो नई अपडेट आई हुई है जिसे इंस्टॉल कर लीजिए और नए जो फीचर्स दिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट लीजिए। सैमसंग की बात करें भी सैमसंग अपने जो लैपटॉप है जिसे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है भारत में, जी हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट को लेकर जो रूल्स वगैरह लागू कर दिए, जहां पर सैमसंग ने पहला ही कदम उठा लिया है कि भाई सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग करेगी अपने लैपटॉप्स को भारत में, जहां पर 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ग्रेटर नोएडा में उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा एंड कहा जा रहा है एनुअली 60-17,000 लैपटॉप्स को बनाया जाएगा भारत में। और सैमसंग जो है वो गवर्नमेंट की जो स्कीम है IT हार्डवेयर PLI स्कीम, जिसका भी पार्टिसिपेट यानी हिस्सा नहीं है। सोचिए अब सैमसंग ने शुरुआत कर ही दी तो भी लग रहा है आने वाले वक्त में हमें शायद से ASUS है, HP है, Dell है और Lenovo भी है, ये सारी कंपनीज के जो लैपटॉप्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में शुरू होने वाले हैं। वैसे लग रहा है कि इसके वजह से हमें शायद से लैपटॉप की जो प्राइस है वो भी कम देखने को मिल सकती है भारत में। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। काम ग्रिल की बात करते हुए अगर आपको चाहिए एक स्क्रीन क्लीनिंग किट वो भी कम कीमत में वो भी बेहतरीन ब्रांड की, तो ये जो डील है ना आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। मैं गिज़गा के और सामने गिज़गा एसेंशियल स्क्रीन क्लीनिंग किट फिलहाल अभी कम कीमत में अमेज़न पर देखने को मिल जा रही है। और ये जो स्क्रीन क्लीनिंग किट है जिसके अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, वह आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, चाहे कोई भी डिजिटल गैजेट्स है उसकी जो स्क्रीन है बहुत ही इजी तरीके से साफ कर सकते हो, यानी कि क्लीन कर सकते हो। और ये जो किट है जो कि फिंगरप्रिंट प्रूफ स्क्रीन क्लीनिंग किट होने वाली है, ये काफी अच्छी बात है। और यही किट की अगर कीमत की बात करें तो ये अभी आपको अमेज़न पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ 229 रुपये में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें तो मार्वल स्पाइडरमैन 2, जी हाँ, ये गेम को लेकर काफी सारे लोग रुके हुए और ये जो गेम है वो फाइनली 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जी हाँ। और ये गेम सिर्फ ओनली केवल एंड केवल PS5 पर आएगी, यानी कोई भी अदर प्लेटफॉर्म्स पर देखने को नहीं मिलेगी। शायद से फ्यूचर में इसे PC पर लाया जा सकता है पोर्ट करके,
पर ये तो भी बात की बात है। पर अभी तो सिर्फ PS5 पर ये गेम आएगी और ये जो गेम है जिसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी होने वाली है, साथ ही साथ जो गेम के ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पर इस बार में दो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप सिटी को बचाना चाहते हो तो दोनों स्पाइडरमैन को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सिटी को बचा पाओगे। वैसे सुनने में इतना मजा आ रहा है तो सोचिए गेम खेलने में कितना ही मजा आएगा। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये गेम को खेलने के लिए, आप हो या नहीं कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।